आवाज़ दो। अरे वहाँ पार्लियामेंट में सुनाई नहीं दिया, आवाज़ दो। पीएमओ में सुनाई नहीं दिया आपकी आवाज़, आवाज़ दो। पहली बात तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मैं साउथ से हूँ तो मेरी हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मीडिया में इस प्रोटेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। पहले तो सवाल ये उठाया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गुमराह किया जा रहा है, उन्होंने कानून पढ़ा नहीं, उन्होंने कानून समझाया नहीं ठीक से। तो जवाब तो यही है देने के लिए कि सर कानून तो हम पढ़ के आए, एक दफा आप भी संविधान पढ़ के आ जाइए। दूसरी बात ये बोला जा रही है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग हमारे देश को तोड़ रहे हैं। बात ये है कि आपके सीएए कानून हमारे देश को तोड़ रहे हैं, और तोड़ी हुई चीज को वापस जोड़ने के लिए शाहीनबाग की महिलाएं सुनी दादा लेके रेडी बैठे हैं। सर देश वापस नहीं देते हमारे, हम बना के दे देंगे। वैसे तो काफी लोगों ने कहा कि अमित शाह जी हमारे माननीय जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, उन्होंने चैलेंज लिया है डिबेट करने की राहुल गांधी से। अरे उनके साथ आपने तो डिबेट संसद में कर लिया, अभी आप हमारे साथ आके बात कीजिए। अभी जनता से बात करने की टाइम आ गई सर, अभी महिलाओं से बात करने की टाइम आ गई। महिलाएं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, आप आ जाइए। डिबेट में हम चीटिंग एडवांस में दो सवाल दे देंगे उनको तैयारी करने के लिए। क्यों? पहला सवाल ये है, जामिया और जेएनयू में जो तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी उसकी गिरफ्तारी कहां है? आज 17 दिन होने को आए कि जेएनयू के अंदर घुस के बच्चों को और प्रोफेसर को मारा गया, तो आपने अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की? आपने एक भी गिरफ्तारी नहीं की अब तक, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दूसरी सवाल, अभी हमारे पूरे देश में हाल देखिए आप, जीडीपी का ग्रोथ 5% से कम हो गया, तो 10 साल में इतना कम नहीं हुआ है। बेरोजगारी 40 साल से इतनी ज्यादा नहीं हुई है। प्याज का आप दाम मत पूछिए, गैस सिलेंडर का आप दाम मत पूछिए, कोई घर कैसे चलाएगा? फैक्ट्री बंद हो रही है, किसान के घर में खाना खाने के लिए जो हमारे अन्नदाता जिसके हाथ से हमें अन्न मिलता है उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हाल देखिए हमारे देश में, मसले देखिए कितने हैं, हमें सॉल्व करने के लिए आप दिल पकड़ के सीए क्यों कर रहे हो? बताइए कि अभी इसी वक्त इस कानून लाने की क्या जरूरत थी? क्या हमारे देश में ये सबसे मायने चीज होती है? इस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आर कंट्री राइट नाउ। तो प्रिय पड़ोस के घर से ले आप लेके आएंगे, क्या हमारे देश में ऐसे पीड़ित लोग कम पड़े थे? आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा भूखे बच्चे हमारे देश में हैं, सबसे ज्यादा ऐसे महिलाएं जो गर्भवती डायबिटीज जो उनकी मौत होती है वो हमारे देश में। ये मसले सॉल्व कीजिए ना पहले। प्राइमरी एजुकेशन की बचत काट रही है गवर्नमेंट, पैसा नहीं है, लोन नहीं है, और ये सब छोड़ के आप पड़ोस के घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए, पहले हम अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व करें। आखिरी बात ये है कि अमित शाह ने फिर से चैलेंज दिया है कि वो हटेंगे नहीं और जो भी प्रोटेस्ट करे करने दो। तो उनकी जवाब में मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप अपने साइड में जो बैठे उनके हाथ पकड़ लीजिए, सब हाथ पकड़ के ऊपर कर लीजिए, और ये गाना तो सबको याद है, आज अमित शाह को भी याद दिलाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो हमने है विश्वास।
Oh, my God.